हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी करवा चौथ के लिए बहुत ही सुंदर ब्लाउज कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए ये हमारी साड़ी है, देख सकते हैं इस तरह हमारी पूरी साड़ी है। देखिए इसमें हमारे छोटे छोटे इस तरह फ्लावर बने हुए पूरी साड़ी में नीचे ऊपर तक। और देखिए इसका ये हमारा गोल्डन कलर का ब्लाउज है, इसे हम बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनाएंगे करवा चौथ के लिए। तो देखिए ये हमारी साड़ी है, साड़ी का जो हमारा आगे वाला है इसमें से हम पट्टी निकालेंगे। देखिए इसमें से हम 4 इंच चौड़ी पट्टी निकालेंगे, 4 इंच में निशान लगा लेते हैं इस तरह। और इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे पहले। देखिए इस तरह मैंने 4 इंच में लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है, इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह, और इसे हम बाद में फोल्ड कर देंगे अंदर। देखिए इस तरह मैंने ये पट्टी निकाल ली है पूरी। तो देखिए हमने ब्लाउज लाइन दोनों कट कर ली, मैं आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिए ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने 15.5 इंच ली है। देखिए हम ये 36 साइज का आ रहे हैं, तो डबल फोल्ड मैंने 9 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुंडे में 6 इंच लिए और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। जो हम नेक ड्रॉ करेंगे वो लाइनिंग पे करेंगे, फिर ब्लाउज पे। तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए शोल्डर से 3 इंच में निशान लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 10 इंच लेंगे। देखिए इस तरह आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें हम इस तरह ड्रॉ करेंगे नेक। किस तरह सेम से हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह, देखिए नीचे में ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग लगेंगे। देखिए इस तरह पूरा सेट करते हुए, देखिए इस तरह मैंने सेट कर लिया है और इस पर हम पूरे में सिलाई लगाएंगे, फिर हम बीच वाला कट कर देंगे, फिर से पलट देंगे। देखिए जो हमने पट्टी ली थी इसे हम इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है, इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और बीच में से हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह, और इसे हम बीच में से जॉइंट कर लेंगे पट्टी को, और इस तरह हम बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे इसकी, और फिर हम इसे पलट देंगे जैसे हम डोरी पलटते हैं। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग से मैंने पूरा पिन से सेट कर लिया है और इसके ऊपर हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह में सिलाई लगा दी, अब बीच वाला हम कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है, इसे अंदर फोल्ड कर देंगे हम और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे हम। देखिए मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है, प्लेट का निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पे। और देखिए 5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे हम। इसी तरह मैं पीछे भी निशान लगा लेती हूँ। देखिए मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है और इस तरह हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे इसमें। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं दूसरी प्लेट भी डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों प्लेट डाल ली, नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह,
और स्ट्रेट सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी। अब जो हमने ग्रीन कलर की पट्टी ली थी उसे तैयार करेंगे हम। देखिए इस तरह मैंने बीच में ज्वाइंट कर ली पट्टी और इस तरह हम इस पट्टी को इस तरह उल्टा रखेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरी पट्टी पे सिलाई लगा दी और ये हमने बड़ी वाली सुई में धागा डाला है। इस तरह हम इसे पलटेंगे। देखिए इस तरह मैंने पट्टी पलट ली है और इस पर मैंने आयरन से पूरी सेट कर ली है पूरी पट्टी। देखिए अब ब्लाउज में अटैच करेंगे इसे। देखिए नीचे हम ब्लाउज सीधा रखेंगे और किनारे से हम पट्टी लगाएंगे इस तरह। इस पर बीच में प्लेट डालेंगे हम और सिलाई हम बीचों बीच में लगाएंगे। देखिए इसी तरह मैं पूरे में लगा लूंगी पट्टी। देखिए इस तरह मैंने पूरे में प्लेट डाल दी, देख सकते हैं। हमने एक गोल्डन कलर की मोती लिए और जो हमने ये प्लेट डाली है इसे हम इस तरह क्रॉस में इस तरह करेंगे और मोती लगाएंगे सबके ऊपर। देखिए इस तरह फिर हम दूसरा करेंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे मोती लगा दिए, देख सकते हैं तो सुंदर लुक आ रहा हमारे ब्लाउज का। तो देखिए हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी है, ऊपर पूरे मोती लगा दिए और देखिए हमने डोरी लगाई है। आप डोरी भी लगा सकते हैं रेडीमेड या फिर कपड़े की बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।